आगामी पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए दतिया पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर द्वारा अवैध शराब निर्माण एवं परिवहन को लेकर सख्ती दिखाई जा रही है। इसी के चलते अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य एवं जिले के SDOP के मार्गदर्शन में सोमवार को जिले के कई थाना क्षेत्रों में दबिश देकर लाखों की शराब को जब्त किया गया। दतिया सिविल लाइन थाना प्रभारी भूमिका दुबे द्वारा चरिया कंजर डेरा पर दबिश के दौरान 75,000 की अवैध शराब एवं उपकरण जब्त किए गए। तो वहीं दूसरी ओर इंदरगढ़ थाना प्रभारी परमानंद शर्मा के द्वारा इंदरगढ़ बंडर रोड पर पंजा डेरा पर दबिश के दौरान 11 लाख के आसपास शराब एवं लहान जब्त किया गया एवं पंडोखर थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह कुशवा द्वारा 5 लाख का लहान। तो वहीं दूसरी ओर उन्नाव थाना प्रभारी अमर सिंह गुजर एवं सरसई थाना प्रभारी अजय के सेरसा कंजर डेरा पर संयुक्त कार्रवाई में 41,000 रुपए की अवैध शराब को जब्त कर नष्ट किया गया। अवैध शराब को लेकर जिले में की गई पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध शराब माफियाओं में हड़कंप सा मचा। सूत्रों की माने तो चुनाव में अवैध शराब के द्वारा मतदाताओं को बहलाने एवं फुसलाने का कार्य किया जाता है। इसी पर रोकथाम लगाने के लिए दतिया पुलिस द्वारा अवैध शराब को लेकर कदम उठाया जा रहा है। दतिया से लोकेश मिश्रा की ये रिपोर्ट।